अस्सलाम वालेकुम। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आप लोगों के दरमियान। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर मुसलसल आप लोगों के साथ, जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा और इसको बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को पसंद किए जा रहे हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, आज मैं आप लोगों को दोबारा डिजिट्स कोडिंग के अंदर एक न्यू चीज़ सिखा रहा हूँ, जो कि सिखाने का मकसद ये है कि रिसेंट अभी हमारे स्टूडेंट्स कुछ टेस्ट देकर आए डिफरेंट जगहों पर, तो उन्होंने आके हमें बताया कि सर इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं जो कि डिजिट्स कोडिंग के अंदर मैंने नहीं करवाई थी अपने वीडियोज़ में, तो मैंने सोचा कि लिहाजा ये आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर लूँ। ये ना सिर्फ ये कि जो बैंक्स लेवल के ऊपर जो टेस्ट लिए जा रहे हैं उनमें भी आ रहे हैं, बल्कि ये हमारे जो ISSB और जो नॉन कमीशन ऑफिसर्स के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी ये आते हैं, तो लिहाजा आज इन्हीं की मैं एक टाइप डिजिट कोडिंग के अंदर आप लोगों को सिखा रहा हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह तो आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखने को आप लोगों को मिलेगा। तो डिजिट कोडिंग के अंदर एक न्यू चीज़ जो कि सर्कल के अंदर वैल्यूज आती हैं उनको पढ़ना सीखते हैं कि डिजिट कोडिंग में उनको कैसे डिकोड किया जाता है। देखिए, आपके पास सर्कल्स की शेप में कुछ वैल्यूज दे दी जाती हैं और फिर हमें उनको डिटेक्ट करना होता है कि हमने कौन सा नंबर बताने की कोशिश की गई है। तो मैं आपको इसके अंदर तीन डिफरेंट टाइप के मैंने कैटेगरी लिखी है सवालात की और वो तीनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों को बेहतर तरीके से पता चल सके कि ये सवाल को कैसे करते हैं। एक सर्कल से आपके पास तीन सर्कल्स हैं, इसके अंदर आपको वैल्यूज दी गई हैं, इसमें चार वैल्यूज दी हुई होती हैं और आपको लास्ट वाले के अंदर दो को देखते हुए लास्ट की वैल्यू का पता लगाना होता है कि कौन सा कोड आपको डिकोड कर देना है। अब इसमें देखिए, इसके अंदर आपको चार नंबर दिए गए थे सर्कल से बाहर, 5694, यहाँ पे दिया 7761, यहाँ पे दिया 4313, अंदर जो है वो आपके पास क्या है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जब हमने चेक किया तो इन नंबर्स के अंदर अगर हम एक चीज को चेक करें तो हमें समझ आएगी कि ये चारों नंबर आपस में प्लस किए जा रहे हैं, 5 + 6 = 11, 11 + 9 = 20, 20 + 4 = 24, 7 + 7 = 14, 14 + 6 = 20, 21। तो आपको तेजी से अपने माइंड को घुमाते हुए चेक करना होता है कि नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया। तो अब हमें इसमें दोनों को चेक करते हुए पता चल गया कि ये ऐड किया जा रहे, तो तीसरे के अंदर ऑटोमेटिकली हम ऐड करेंगे, 4 + 3 = 7, 7 + 10 = 17, 17 + 3 = 20, इट्स मीन के क्वेश्चन मार्क के अंदर हम लिख देंगे 20। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर जरा आ जाए, इसके अंदर जरा चेक कीजिए तो नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं। अब इसमें जो नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं जब आपने चेक किया तो आपको ये अंदाजा हो रहा है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई भी इस तरह हो रहे हैं, 4 × 5 = 20, 6 × 6 = 36। तो इट्स मीन कि जब ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 9 × 2 = 18। ये देखें, ये जो चीज होती है ये मोर एंड मोर प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि सर ने तो पहले चेक किए होंगे तो लिहाजा इसलिए तेजी से हो रहे हैं, या सर की तो प्रैक्टिस हो चुकी है, इतनी दफा बच्चों को पढ़ा चुके हैं तो सर की प्रैक्टिस नहीं, ये मोर एंड मोर प्रैक्टिस से होती है। जब आप कंटिन्यू 3 घंटे 4 घंटे इसी तरह के डिजिट्स कोडिंग के सवाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो बच्चे स्पेशली इस चीज की लाजमी प्रैक्टिस करें जो आफ्टर मैट्रिक जो है वो डिफरेंट जगहों पर टेस्ट के लिए जाते हैं, या वो बच्चे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेस्ट के लिए जो जा रहे हैं जॉब्स के लिए, वहां पर अब ये टेस्ट लाजमी लिए जा रहे हैं इंटेलिजेंस के। थर्ड पे आ जाइए, तो थर्ड में अगर आप चेक करें तो थर्ड के अंदर आपस में प्लस किया गया है और दोनों की प्लस की जो वैल्यूज है वो सेम आएगी, यानी के 6 + 6 = 12, 10 + 2 = 12, यानी के चारों नंबर जब आपस में मिलेंगे, ये आपस में मिलेंगे और ये दोनों आपस में मिलेंगे तो बीच वाली वैल्यू बन जाएगी 12 + 12 = 24, 21 + 3 = 24। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 10 + 4 = 14, तो 7 को कितने के साथ प्लस करेंगे 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो ये आप खत्म करेंगे और यहाँ पे 7 + 7 = 14। तो देखिए, तीन डिफरेंट टाइप्स के आपने सवाल सीख लिए सर्किल के अंदर के किस तरीके से प्लस माइनस करने से, मल्टीप्लीकेशन करने से आंसर सेम बन जाया करेंगे सर्किल के, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इससे गाइडलाइन मिल जाएगी। मैं कुछ और सवाल भी आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को कंप्लीट इसके ऊपर ग्रिप हो जाए। तो ये दो सवाल मैंने और मजीद आप लोगों के लिए लिख लिए, टोटल 5 सवाल हो जाएंगे जो कि डिफरेंट है एक दूसरे से।
तो इनके ट्रिक्स अगर आप लोग समझेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की भी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये तमाम सवाल एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट थे, तो इनकी अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि पेपर में आए तो आप लोग कर सके अपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। देखिए इसके अंदर अगर हम इस वाले सर्कल्स के ऊपर अगर हम गौर करें तो इसके अंदर जो इन लोगों ने जो लाइन बनाई है बेसिकली वो इन्होंने बनाई है सर्कल के ऊपर, और वो सर्कल के ऊपर किस तरीके से बनाई गई है वो क्लॉकवाइज बनाई गई है इस तरह 5 + 7 + 8, तो 5 + 7 + 8 = 21, 4 + 5 = 9, 9 + 12 = 21, यानी कि ये जो ये वाला फर्स्ट नंबर होता है ये इसको छोड़ते जा रहे हैं, ये इसको नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है कि हमने इसको यहां पे नहीं लेना है। तो 10 + 8 = 18, 18 + 12 = 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। ये हमारे पास चल रहे थे क्लॉकवाइज। तो पेपर्स के अंदर आप ये देख लीजिएगा, देखिए हमें कैसे पता चला, क्योंकि दोनों के अंदर इन लोगों ने यहां से ये वैल्यूज ली हैं, तो इट्स मीन के यहाँ पे भी इसी तरह वैल्यूज को लिया जाना था और ये नंबर्स नहीं ले रहे, तो जब ये वाली वैल्यूज आंसर बनते जा रहे हैं। और नीचे आ जाए, ये एक हमारे पास सर्कल 3 बने हुए हैं, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये प्लस करने पर भी ये वैल्यू बीच का आंसर नहीं आ रहा, तो इसमें इन लोगों ने बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ये लोग इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 6 × 4 = 24 हो गया। अब ये दो वैल्यूज पीछे बच रही थी तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गए हमारे पास 8 × 2 = 16, ये हो गया 40। इट्स मीन के ये सही है। अब यहां पे भी चेक करते हैं कि क्या यही मेथड अपनाई गई, 8 × 5 = 40, 10 × 2 = 20, इट्स मीन के हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो अब यहां पे भी हम यही कर लेंगे, 10 × 2 = 20, 7 × 4 = 28, इट्स मीन के यहाँ पे अब हमारे पास आंसर आना चाहिए 48। तो ये सर्किल हमने रिमूव क्वेश्चन मार्क रिमूव किया और आंसर लिख दिया 48। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो कोडिंग है डिजिट्स कोडिंग ये सवाल तमाम आपको समझ में आ गए होंगे, और वो तमाम बच्चे जो कि नेक्स्ट टाइम हम पेपर देने वाले हैं वो इसके अच्छे तरीके से तैयारी करते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाजमी कमेंट भी कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे मेरे जो वीडियोज हैं उससे फायदा ले रहे हैं और कितनों के लिए हेल्प आउट हो रही है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।